एयरलाइंस के मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आज की खबरों में हम लोग बात करेंगे, एयर इंडिया से एक जरूरी खबर आ रही है उसको प्राइवेट करने को लेकर। इसके अलावा इंडिगो और जेट एयरवेज की खबरों के बारे में भी जानेंगे कि क्या खबर निकल कर आ रही है इन दोनों एयरलाइंस कंपनियों से। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंटरनेशनल खबरों में अमीरात और गल्फ कंट्री से नई उड़ानों को लेकर सूचना सामने आई है। ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहें क्योंकि ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। तो एयरलाइन से पहली खबर लेते हैं एयर इंडिया से। एयर इंडिया को खरीदने के लिए इस समय अभी केवल टाटा ग्रुप ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि अभी इसमें इंटरेस्ट है। टाटा ग्रुप को छोड़कर ऐसी कोई भी दूसरी कंपनी नहीं है जो कि एयर इंडिया को लेना चाहती हो। इससे पहले सिंगापुर एयरलाइंस का नाम आ रहा था कि वह एयर इंडिया को खरीद सकती है, लेकिन यहाँ पर मौजूदा जानकारी के अनुसार सिंगापुर ने इस डील से अपने हाथ पीछे कर लिए हैं और अभी इस समय केवल टाटा ग्रुप ही है जो कि इस समय एयर इंडिया को खरीद सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया को बेचने की आखिरी तारीख अगस्त महीने की रखी गई है। अगस्त महीने में बताया जा रहा है कि एयर इंडिया को फाइनली प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच दिया जाएगा। अगली खबर आ रही है यहाँ पर जेट एयरवेज से। जेट एयरवेज जो कि इस समय इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस से गुजर रही है, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने जेट एयरवेज के लिए ये रिक्वेस्ट करी है कि जेट एयरवेज के ऊपर लगा हुआ अपर सर्किट जो कि 5% का है उसको हटा दिया जाए। इसके लिए सेबी जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है उसके पास ये रिक्वेस्ट की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय जेट एयरवेज को बेचने की कोशिशें की जा रही हैं जिसके लिए 3 से 4 बिडर्स अपनी बोली लगाकर तैयार हैं और आने वाले समय में जेट एयरवेज को नया खरीदार मिल सकता है। अगली खबर लेते हैं हैदराबाद एयरपोर्ट से। हैदराबाद एयरपोर्ट यहां पर देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन चुका है जिसने कि कॉन्टैक्टलेस पार्किंग का बंदोबस्त कर लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर हैदराबाद एयरपोर्ट ने फास्टैग कार पार्किंग NPCI के साथ मिलकर शुरू कर दिया है, जहाँ पर यदि आप अपनी कार लेकर जाएंगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिक फास्टैग के माध्यम से डिडक्ट हो जाएगा। अगली खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो से। इंडिगो ने यहाँ पर ये बताया है कि आने वाले एक साल में इंडिगो अपनी कुल कैपेसिटी की 80% लेवल को अचीव कर लेगी। इस समय मौजूदा हालात की बात करें तो इंडिगो अपने कुल कैपेसिटी का 50% भी यूटिलाइज नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने 45% की कैपेसिटी को ही मंजूरी दे रखी है और साथ ही साथ यात्रियों की डिमांड में भी कमी होने के कारण यहाँ पर सभी की सभी एयरलाइंस कंपनियाँ अपनी मौजूदा अप्रूव लिमिट्स के नीचे ही अपनी उड़ानों को चला पा रही हैं। अब चलते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। तो इंटरनेशनल खबरों में पहली खबर लेते हैं अमीरात से। अमीरात यहाँ पर आने वाले समय में 6 और लोकेशंस पर अपनी उड़ानों को शुरू करने जा रही है। यदि ये 6 लोकेशंस पर अमीरात अपनी उड़ानों को शुरू कर देती है तो कुल मिलाकर अमीरात की 58 डेस्टिनेशन पर उड़ानें शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अमीरात की तरफ से ये जवाब आया है कि अमीरात इस समय पैसेंजर्स के डिमांड में थोड़ी बढ़ोतरी देख रही है और आने वाले समय में अमीरात को उम्मीद है कि इसमें और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। अगली खबर लेते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की एयरलाइंस कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को यहाँ पर अमेरिका ने अपने यहाँ उड़ने पर बैन कर दिया है। इससे पहले भी अमेरिका पाकिस्तान की सभी उड़ानों को बंद किया हुआ था, लेकिन हाल ही में कोरोना वायरस के समय में अमेरिका ने इनकी उड़ानों को दोबारा से शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर फर्जी पायलट्स के मामले सामने आने के बाद अमेरिका ने इन उड़ानों के ऊपर दोबारा से प्रतिबंध लगा दिया है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर गल्फ कंट्री से। जो लोग भी गल्फ कंट्री में फंसे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर वंदे भारत मिशन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फ्लाइटों की घोषणा की जा चुकी है। इनमें सऊदी अरेबिया और UAE और बाकी लोकेशंस के लिए उड़ानों को मंजूरी दी जा चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर हमने अपने चैनल पर वीडियो भी बना रखा है जहां पर हमने आपको बताया है कि इन उड़ानों से आप अपनी टिकट की बुकिंग कैसे कर सकते हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाकर हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये वीडियो स्क्रीन पर आ रहे आई के बटन को भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।